नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कुमार, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी फोर्टिस एंड स्पोर्ट्स में काम करता हूं। आज मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूं। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो पूरे विश्व भर में आपकी तरह फैल रही है। 2019 में 10 मिलियन केसेस ट्यूबरकुलोसिस के पाए गए थे। ये किसी भी ऑर्गन को, जैसे हमारे फेफड़ों को, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को पानी के रूप में, लिम्फ नोड के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। इसकी दिक्कत ये रहती है कि ये जिस भी अंग को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, उसको धीरे 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 करके खराब कर देती है। इसके जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो बुखार होता है, इवनिंग राइज, शाम में बुखार आता है, खांसी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तब हमें उसका शक, ट्यूबरकुलोसिस का शक रखना चाहिए, रात में पसीना आना, भूख कम लगना, ये सब इस चीजों के सिम्टम्स होते हैं। इससे कैसे बचा जाए? अगर हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस की प्रमाण हो गया है कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया में मिल गया है बलगम में, तो उसका सबसे पहला तो होता है कि इलाज शुरू कर देना चाहिए। किसी भी हालत में कोई दवाई छूटनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मरीज को मास्क लगाना चाहिए, खुले में खांसी नहीं करनी चाहिए, थूक भी अपनी डस्टबिन में फेंकनी चाहिए और उसको, उस डस्टबिन को कवर करके रखना चाहिए। जो बीमार लोग होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको हम जनरली खुले रूम में जिनमें खिड़कियां होती हैं, हवा की आवाजाही होती है, उनके लिए प्रेरित करते हैं कि उस रूम में वो ठहरे। दूसरी ओर मास्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक होना बड़ा ही आसान तरीके से हो जाती है। तो ये सब चीजें का एहतियात रखेंगे ट्यूबरकुलोसिस को हम रोक पाएंगे और आगे हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे।